हेलो, माय नेम इज मिनी सेठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। अब इंटरकल्चर कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोगों के बीच में जो वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन होता है। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करने वाले लोगों के बीच में जो वर्बल और नॉन वर्बल इंटरेक्शन होता है वो क्या होती है? इंटरकल्चर कम्युनिकेशन होती है। जैसे जापान, जर्मनी, अमेरिका, इंडिया, ये सारी कंट्रीज क्या डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से बिलोंग करती हैं। जब इनके बीच में वर्बल या नॉन वर्बल इंटरेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। आजकल इंटरकल्चर कम्युनिकेशन इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए आ रहे हैं या फिर बिजनेस करने के लिए आ रहे हैं, और हमारी कंट्री के लोग क्या दूसरी कंट्रीज में भी जा रहे हैं, एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, बिजनेस के लिए जा रहे हैं, तो आपस में इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन करने के लिए सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जरूरी नहीं है। जैसे इंग्लिश क्या है? इंटरनेशनल लैंग्वेज है। सिर्फ इंग्लिश का आना ही जरूरी नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है, जो अदर कंट्री, जिस कंट्री में आप जा रहे हो, वहां के रिचुअल को समझना जरूरी है, वहां के कल्चर को समझना जरूरी है, वहां की बॉडी लैंग्वेज को समझना जरूरी है, वहां के एटीट्यूड को समझना जरूरी है, तभी आपका क्या होगा, इंटरकल्चर कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट पूरा होगा। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन सिर्फ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात नहीं कर रही है, बल्कि आपको दूसरी कंट्रीज के लोगों के एटीट्यूड को समझना है, रिचुअल को समझना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को भी समझना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ जापान और इंडिया का। ओके, अब क्या है, आई कॉन्टेक्ट, ठीक है। इंडिया में क्या है, अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आपको रिक्वायर्ड आई कॉन्टेक्ट बनाना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये समझा जाएगा कि सुनने वाला अटेंशन पे ही नहीं कर रहा। ओके, इंडिया में क्या है, यही सिखाया जाता है कि रिक्वायर्ड लेवल ऑफ आई कॉन्टेक्ट आपको कम्युनिकेशन के टाइम बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये समझा जाएगा कि सुनने वाला बंदा क्या है, वो अटेंटिव ही नहीं है, वो अटेंशन ही नहीं पे कर रहा। जबकि जापान में क्या है कि अगर आप टू मच आई कॉन्टेक्ट बनाते हो तो वो रूड समझा जाता है, साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट समझा जाता है, ठीक है। ठीक है, दोनों कंट्री का क्या कल्चर क्या डिफरेंट है। ओके, आई कांटेक्ट को लेके इस तरह हम अमेरिका और इंडिया की बात करेंगे। अमेरिका में क्या आई वाला कल्चर है, ठीक है, इंडिविजुअलिज्म वाला है, ठीक है, वहां पे अपने बारे में ज्यादा सोचा जाता है, जबकि हमारे इंडिया में क्या कलेक्टिविज्म वाला है, ठीक है, हम क्या फैमिली ओरिएंटेड ज्यादा है, हम अपने बारे में ना सोचकर फैमिली के बारे में सोचते हैं, ठीक है। अदर्स कंट्री ने आकर हमारे इंडिया में ट्रेड किया तो क्या सोचा कि देखो प्रेग्नेंट लेडी और फीडिंग मदर को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। लेकिन हमारी कंट्री में जब मदर्स के लिए जो भी प्रोडक्ट लाया गया, चाहे वो जितने भी अच्छी क्वालिटी का लाया गया, चाहे वो जितना भी अच्छा लाया, फेल हो गया, वो नहीं चला, लेकिन बच्चों के लिए कैसा भी प्रोडक्ट लाया गया मार्केट में चल गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ के जो मदर्स हैं वो अपने बारे में ना सोच के पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है। यही कारण है अगर आप हॉर्लिक्स की एड देखो तो वहां पे क्या है, मम्मा और बच्चे का रिलेशनशिप कैसे दिखाया गया, कैसे इमोशनल अपील डाली गई, किस तरह से प्रेजेंट किया गया, क्योंकि हमारी कंट्री का जो कल्चर है वो ऐसे ही है, वहां पे माएं क्या है अपने बारे में ना सोचकर पहले बच्चों के बारे में सोचती है। लेकिन अगर ये हॉर्लिक्स की ऐड अगर अदर कंट्री में दी जाएगी, दूसरी कंट्री में दी जाएगी, तो वहां के कल्चर के अकॉर्डिंग ये ऐड को दिखाया जाएगा। लेकिन हमारी कंट्री में मदर्स और बच्चे के बारे में एक बॉन्डिंग को दिखाया गया, क्योंकि हमारी कंट्री में क्या मदर्स ऐसी ही होती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने ब्रांड के बारे में लोगों को कम्युनिकेट किया गया तो डिफरेंट अपील के अकॉर्डिंग किया गया, हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग किया गया। ओके, तो इसी तरह की अगर आप किसी और कंट्रीज में जाते हो, वहां पे कम्युनिकेट करते हो, ट्रेड करते हो, तो आपको उनके कल्चर के अकॉर्डिंग बिहेव करना है, उनके एटीट्यूड को समझना है, उनके रिचुअल को समझना है, उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना है, ठीक है। तो आजकल क्या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्यों इंटरकल्चर कम्युनिकेशन की बात करें तो ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसके कई कारण है। एक तो क्या होता है कि इससे कॉर्पोरेशन बढ़ता है, ठीक है। बोलते हैं ना कि हम बातों से दिल को जीतते हैं। अगर आप दूसरी कंट्री के जो रिचुअल्स हैं, कल्चर है, उनके एटीट्यूड है, उनकी बॉडी लैंग्वेज है, उनको अच्छे से समझोगे तो आपका आपका आपके लिए वहां पे ट्रेड करना, बिजनेस करना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि कॉर्पोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। और आजकल क्या ग्लोबलाइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं, दूसरी कंट्री में बहुत ज्यादा विजिट कर रहे हैं, दूसरी कंट्री वाले आके हमारे यहाँ पे भी विजिट कर रहे हैं, और क्या कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है हमारा, जैसे मैंने जापान, इंडिया, जर्मनी, इनका कल्चर क्या एक दूसरे से बड़ा डिफरेंट है, तो उनके वहां पे अगर आपको ट्रेड करना है तो इस कल्चर डाइवर्सिटी को आपको समझना ही पड़ेगा। आई थिंक आपको इंटरनेशनल कल्चर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।